लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रीतम दम नहीं छूटना चाहिए। जी अपनी इज्जत के इंजन का सवाल है। ऐसा जबरदस्त स्टीयरिंग व्हील घुमाना कि इसके थोबड़े का गियर बदल जाए। जगह ठीक से देख ले अपनी सारी उंगलियां सही सलामत है ना, एक आध नीचे तो नहीं गिर पड़ी। ओए प्रीतम ये मत सोचे जिंदगी की आखिरी बाजी है, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी मुकाबले के लिए। देख पट्टे मुकाबले का इतना ही शौक है लल्ला तो फिर ये नशा करना छोड़ दे रहे। ऊपर से इंजन सिर्फ दिखावे का रह गया है, अंदर से स्टन पिस्टन सब घिस चुके हैं। अरे बात क्या करता है, मैं ही नशा नहीं करता हूँ, तू भी तो नशा करता है, शराब का ना सही प्यार का सही। अरे उस्ताद चूड़ियां तो भूल गए तुसी। ओए हाँ 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 ओए हाँ मैं लाया तो सर रानू वास्ते। हाँ कह दो जग्गा मैं तुझे पहना दूँ। ओए जग्गा काहे को खाली पीली अपने रेडिएटर गर्म कर रहा है, यहाँ तुझसे उलझने की फुर्सत किसे है। ओए बंटे हाँ जी हो 9:20 से पहले गोपालपुर का फाटक क्रॉस नहीं किया हाँ जी तो देवी के दर्शन कैसे होंगे। हाँ बिल्कुल जो बोले सोनिहार। शाबाश। ओए प्रीतमा बोल, लगती है हम दोनों में से गोपालपुर का फाटक पहले कौन क्रॉस करता है, यानी कि बाजी लगाना चाह रहा है तू। हाँ। देख भाई देख समझाई से यहाँ दिल की लगी हुई है और ये बाजी की बातें कर रहा है, चल लग गई दोस्त। अच्छा छक्का जी जग्गा जी छक्का जी और चल ना ओए उधर चल के बैठ। तंजिंग क्या हमेशा मारता है, आता है मेरे पीछे रामजादा। अरे जब कभी ऐसा मौका आता है ना इस पूतनी वाले की बैटरी डाउन हो जाती है। ओए खोते गाली मत दे, अभी करता हूँ इसकी बैटरी चार्ज। शाबाश। Yeah!
तेरी गड्डी वड्डी का टायर वायर तो फिट फाट है ना। ओए तेरा चेहरा बहुत चमक तमक रहा है, कोई चक्कर वक्कर है क्या? चक्कर वक्कर नहीं हो कंचक्कर, ये तो टक्कर वक्कर हो गई जग्गा वग्गा से, बाकी सब खैरियत वैरियत है। देखो बनते शंत्या, मेरे साथ मजाक वजाक मत करा कर। हाँ ओ मजाक शजाक बनते शंत्या दा पुत्र। हाँ जी तू गड़ी शड़ी ठीक करवा, मैं अपनी चांद नु मिलके आवा। उस्ताद जी अभी तो दिन है, आपकी चांदनी दोपहर में कहां से निकल आई? अबे ओए खोते उल्लू के पट्टे इधर आ। हाँ वो देख अपनी चांद को दिखाई पड़ा। कानो जी ये लो 100 का नोट और एक बंडल बीड़ी का, तो बापू ने मंगाया। अरे ये तो अदरक पे
तेरी बीड़ी चाहिए बीड़ी। नहीं है चौकट छुट्टा तो मत दो बीड़ी का बंडल, चौकट नोट भी रखो। क्यों नोट क्या घर में छापते हो? अबे अबे उस्ताद, अगर आज तुम्हारा बड़ा भाई बग्गा जेल में न होता तो उसकी छुट्टी कर देता। मालूम है साले, तू क्या समझता मैं प्रीतम से मार खा के आया हूँ? वो तो दो तीन बार मैं खुद ही फिसल गया था। अबे भूतनी के, तुझे कितनी बार कहा है धीरे धीरे कर। धीरे 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 क्यों नहीं करते हो तुम? अगर तेज तेज करने से उसको दर्द होता है तो? अबे चुप है, तेज तेज करने से दर्द होता तो साला ये खोटा सिक्का अपने काम आ सकता है। फकीर चंद, अरे मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे इस दर्द में? ये सब तो तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अबे तू बहुत कुछ कर सकता है। ये तेरा पागल बेटा बिल्कुल तुझ पर गया है। अरे पता नहीं किस पर गया है, जब से आकर तुमने मेरे आंगन में डेरा जमाया था उसके साल भर बाद पैदा हुआ था। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं इसकी भलाई की बात कहने जा रहा हूँ। देख, तेरे इस पगले बेटे की शादी वादी तो होने वाली नहीं। हाँ भाई, कौन देगा अपनी बेटी इस पगले को? और तूने दुर्गा से ढेर सारे पैसे भी लेने हैं। हाँ लेने तो हैं, ना मालूम कब देगी। फकीर चंद, तुझे दोनों बातें मिलती हुई नहीं लगती? नहीं तो भला मेरे बेटे की शादी का दुर्गा के कर्जे से क्या ताल्लुक? अरे फकीर चंद, तू तो बिल्कुल अपने बेटे पर गया है। क्या? अरे सुन इधर आ, तू दुर्गा से जाकर कहना, देखो भाई, या तो मेरी सारी रकम लौटा दो और या फिर अपनी बेटी रानो का हाथ मेरे बेटे के हाथ में थमा दो। आगे रानो, मैं तो डर रहा था कि रास्ते में कहीं वही कमीना जग्गा ना मिल गया। तुम्हें क्या मालूम मैं कितने खतरे उठाकर तुमसे मिलने आती हूँ। और मैं क्या कम खतरे उठाकर तुमसे मिलने आता हूँ? आंधी तूफान की तरह ट्रक चलाकर आता हूँ। प्रीतम, ये रोज रोज का मिलना खत्म नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो रानो, इसे मिलने में तो मेरे जीवन की गाड़ी चल रही है। तुम मुझसे ब्याह कर लो। अरे वाह, अभी कर लेता हूँ, बोलो अभी अभी। लेकिन मुझे लगता है हमारा ब्याह नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? कल रात में तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो दूध में उबाल आ गया। कहते हैं अगर कुछ सोचते सोचते दूध में उबाल आ जाए तो वो बात कभी पूरी नहीं होती। तुम भी ऐसी बातों में विश्वास करती हो? ए, मुझे वो राधा कृष्ण के मंदिर ले चलना। क्यों? मुझे वहाँ जाने को बहुत जी करता है तुम्हारे साथ। अरे मगर तुम्हें देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, जल्दी जाएंगे, जल्दी लौट आएंगे। हाँ तो चल। सुनो, तुम शादी के बाद मुझे मारोगे तो नहीं ना? मैंने सुना है ट्रक ड्राइवर शराब पी के अपने बीवियों को बहुत मारते हैं। सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मामला है मैं सिर्फ एक थप्पड़ से काम चला लूंगा। देखो अगर तुमने मुझ पर कभी हाथ उठाया ना। अच्छा बाबा, मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, जो करूंगा सच करूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। और अभी तुम्हें मेरी बातों को विश्वास नहीं हो रहा तो यही बात चल के तुम्हें राधा कृष्ण जी से कर देता हूँ। आओ चलो मेरे साथ चलो। उस्ताद, ये बात समझ में नहीं आई, रेनू पर नजर तो? रेनू पर नहीं, रानू पर। हाँ हाँ, रानू पर नजर तो आपकी है, फिर उसके साथ शादी करा के आपको क्या मिलेगा? अबे उल्लू की तुम, हमें तो सिर्फ दूध पीने से मतलब है ना, भैंस चाहे किसी की भी हो। कहाँ गई थी तुम? वो बात ये थी माँ की। किसके साथ थी? हुआ क्या माँ की? सीधा सीधा साफ जवाब चाहिए मुझे। प्रीतम के साथ। प्रीतम? कौन प्रीतम? वो जो ट्रक चलाता है। वो माँ, वो क्या हुआ, मैं घर चली आ रही थी तो रास्ते में उसका ट्रक मिल गया तो मैं उसके। कब से मिल रही हो उसे? माँ वो बहुत चाहता है मुझे। ये तुम्हें उसने कहा है ना? जी। और तूने यकीन कर लिया? नहीं, यकीन करने की कोई वजह नहीं दिखाई दी मुझे। इतनी बड़ी वजह थी सामने और तुम्हें दिखाई नहीं दी? वो एक ट्रक ड्राइवर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? सारा फर्क पड़ जाता है बेटी।
किसी ट्रक ड्राइवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई ड्राइवर सच नहीं बोलता। इन लोगों की जात ही ऐसी होती है। ये राही होते हैं रास्ते के, जहां छाव देखी थोड़ा सा रुके, सुस्ता लिया और आगे बढ़ गए। पीछे मुड़ के देखते तक नहीं कि किसका घर उजड़ गया, कौन रो रहा है। ये ड्राइवर कभी किसी के नहीं हुए। माँ तू ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि मैं जानती हूँ इन लोगों को। माँ प्रीतम ऐसा नहीं है। किसी चोर के मुंह पे ये नहीं लिखा होता कि वो चोर है। माँ तुम क्यों खिलाफ हो एक आदमी के ट्रक ड्राइवर होने पर? क्योंकि तुम्हारा बाप भी एक ट्रक ड्राइवर था। ठीक है बेटी, तेरे भाग्य में भी यही लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बुला लाना उसे। जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया था। आओ बैठो। क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपकी बेटी की जिंदगी को मैं तो आपकी बेटी को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। कितनी देर के लिए? मौसम बदलते ही कहीं और निकल जाओगे। रह जाएगी तड़पने के लिए मेरी बेटी और जिंदगी काटने के लिए ये ढाबे का कारोबार। खेलने के लिए कोई और खिलौना नहीं मिला था तुम्हें जो मेरी बेटी पे नजरें गाड़ती? देखिए ना, अगर मैं चाहता तो आपकी बेटी से आपकी मर्जी के बगैर उसे भगाकर शादी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं किया ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नेक इरादों पर भरोसा करें, मेरे प्यार पर भरोसा करें। और आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना होगा। मैं आपकी बेटी से छुप छुप कर नहीं मिलना चाहता, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं आपकी बेटी से मिलूंगा भी नहीं। सुनो, भगवान करे जो तुम इस समय कह रहे हो वो सच निकले। ऊपर वाला तुम्हारे दिल को नेकी बख्शे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अरे आपने हाँ कर दी? नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। आप मान गई? अरे आप मान गई? अरे Thank you.
जी चूल्हे में गया फकीरचंद और भाड़ में गई दुकानदारी, हद होती है शराफत की भी। मैं तो सोच रहा था कि जहाँ इतने एहसान तुम पर किए हैं एक और सही, बेटी का बोझ भी सर से उतर जाएगा और मेरा कर्जा भी, लेकिन तुम हो के है रचाओ शादी है ड्राइवर के साथ, लेकिन मेरी रकम मुझे मिल जानी चाहिए। अरे फकीरचंद, तुम दौलत के भले ही अमीर हो लेकिन दिल के तो बिल्कुल फकीर हो। अरे भाई मिल जाएगी रकम, पहले शादी तो हो जाने दो। अरे बेटी की शादी के बाद तुम कौन सा नजर आने वाली हो, हम तो ये शादी तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते। अरे तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी रुकाने वाले, मैंने जो किया है सब सोच समझ के किया है। चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं दुर्गा घर की एक एक चीज नीलाम करा दूंगा भरे बाजार। अरे कौन डरता है तेरी धमकियों से, अब एक लफ्ज भी और बोला ना तो उस दिन की कसर आज निकाल दूंगा। अरे रे रे उल्टा चोर कोतवाल बोला, मैं बता देता हूँ अगर मेरा कर्जा। ओए चपो संजू, साला फकीर चंद उल्लू की तुम, तेरा एक एक पैसा चुका दूंगा, कर्जा उतार दूंगा मंडप में बैठने से पहले, समझा कि नहीं समझा? तू, अरे तू मेरा कर्जा क्या अदा करेगा? अरे 17,757 की रकम है घर में, नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अरे पहले अपने रोटी कपड़े का तो बंदोबस्त कर ले, कहाँ से लाएगा इतनी बड़ी रकम? देख वो फकीर चंद, जब तक तेरे रुपयों के जूतों का हार तेरे गले में नहीं डाल दूंगा तब तक अपने गले में वरमाला नहीं डालूंगा, समझा कि नहीं समझा? अब भाग यहां से, भाग। धक्का दिया तुझे तो मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। पर तुझे कैसे मालूम कि उसने मुझे धक्का दिया? अरे जग्गा सारे जग की बातें जानता है और सारा जग जग्गा को जानता है, मालूम है? पर फकीर चंद तू फिक्र मत कर, अगर उसने तेरे पैसे तुझे लौटा भी दिए ना, वरमाला साला फिर भी नहीं पहन पाएगा। लेकिन तू करेगा क्या? बजाने दे, कितनी बजाता है शहनाइया। अबे तू जाकर देखना कैसी हो रही तैयारियां। अच्छा साहब। अरे मर जानियो, तुम लोग यहाँ बैठी क्या कर रही हो मर्दों के बीच, अंदर जाके बैठो ना रानू के पास। जाते हैं ना चाची, देखना बनते ने कितनी शराब पी रखी है। टूट गई। अरे इसे तो कोई बहाना चाहिए पीने का। तू इसको बहाना कहती है, है? और जब जब मेरे यार की शादी होगी ना, मैं इसी तरह जीप भर के पीऊंगा नाचूंगा। बापू ये किसकी शादी हो रही है? अरे ये शादी नहीं है बेटे, ये तेरे बाप के अरमानों की अर्थी सज रही। बापू अर्थी पर कौन बैठेगा? फकीर चंद, आओ आओ सेठ फकीर चंद जी, मैं क्या आज खुशी का मौका एक कुर्तों में ला लो। और छी छी क्या करता, मेरे यार की शादी एक कुट चढ़ा लो। आज बड़ा खुश है बनते तो। ओए आज वाइपर अकेला ही आ गया, वो ट्रक कहाँ है? ट्रक दिखावा तेनू ट्रक छी डंडा। राना
अभी अभी मैं बाहर गई थी तो पता चला कि क्या पता चला? प्रीतम ट्रक लेकर ट्रिप को जा रहा है। क्या कह रही है तू? हाँ, मेरा भाई भी ट्रक लेकर जा रहा है। उसी ने बताया दूसरे ट्रक को प्रीतम चला रहा है। नहीं, आज वो कहीं नहीं जा सकता। आज कहीं नहीं जा सकता वो। रानो, प्रीतम तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बस जल्दी का ट्रिप मिल गया है, मार कर अभी आता हूँ। तुम इसी तरह से सच धज के तैयार हो, मैं अभी गया और अभी आया। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मत जाओ प्रीतम। अरे पागल हो गए मेरी दुल्हनिया, बहुत मोटी रकम मिलने वाली है इस ट्रिप में। याद है ना, शादी के मंडप में बैठने से पहले फकीर चंद का बहुत सारा पैसा चुकाना है। मैंने उससे वादा किया है भाई। प्रीतम, मुझसे भी तो कुछ वादे हैं तुम्हारे। अगर तुम चले गए और वापस नहीं आए तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। कैसी बातें कर रही हो रानू? मैं लौट कर जरूर आऊंगा। प्रीतम, मुझे डर लग रहा है। बात क्या है रानू? तू मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बाप रे, अब तो मेरा जाना और जरूरी हो गया। तुम मत जाओ प्रीतम। जाऊंगा नहीं तो ये मुश्किल आसान कैसे होगी रानू? मैंने कहा ना कि मेरा जाना और भी जरूरी हो गया। तुम घबराओ मत, बस मैं यूं गया और यूं आया। कांच का टूटना आप शुक्र होता है। अरे भाई, दूल्हा दुल्हन को तो लाओ। पंडित जी, दुल्हन तो है लेकिन दूल्हा जरा गायब है। आया क्यों? कमाल है, इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आ तो जाना चाहिए था लेकिन आया क्यों? कहीं भाग तो नहीं गया? और चुप चमचे, ओए आइंदा ऐसी गल कीती ना तो तेरा ऐसा एक्सल तोड़ा कि जिंदगी भर के लिए ब्रेकडाउन हो जाएगा। अरे कलवा को क्यों आंखें दिखाता है बंते? सच ही तो कह रहा है, बड़ा हरिश्चंद्र बनकर मुझे मेरी रकम लौटाने का वादा करके गया था, अब तक लौटा क्यों नहीं? ओए लौटता होगा सेठ, लौटता होगा। तू अपनी आंखों की हेडलाइट बंद कर दे, लौटता होगा मेरा यार, ऐसा नहीं है। हाँ ओए मेरे वाहेगुरु, मेरे यार को जल्दी भेज दे वाहेगुरु। कब तक बैठी प्रीतम का इंतजार करेगी? अब वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। तेरा पति क्या आज तक लौट कर आया है? मुझे अपने रूपों की चिंता नहीं है दुर्गा, मुझे तेरी इज्जत की चिंता है। अगर तेरी बेटी की शादी इस वक्त नहीं हुई तो जिंदगी भर उसे कोई नहीं पूछे। चाहे लाख मुझे अपना दुश्मन समझ, लेकिन मैं तेरी हालत अच्छी तरह से समझता हूँ। वक्त खराब मत कर दुर्गा, मेरी बात मान जा। ये मंडप दोबारा सज सकता है, रानू की डोली अब भी उड़ सकती है, सिर्फ चेहरा बदलने की बात है। मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी कि इस ड्राइवर की जात का कोई भरोसा नहीं। तो फिर जाकर मना लेना अपनी बेटी को। प्रीतम,
सोच क्या रही है? जाना अंदर, जा। आप देर मत कर, जा। अरे बेटे, अरे बेटे उठ कर नहीं आ, उठ। अरे उठ बेटे। क्या बापू? अरे तेरी शादी होने वाली है इसी वक्त। शादी? किसके साथ? अरे रानो के साथ, और किसके साथ? चल बेटे सीधा बात। रानो के साथ? नहीं माँ, तुम ये सुन नहीं कर सकती। ऐसा मत करो माँ। सुनो, देखो मेरी शादी हो चुकी है। हाँ माँ, तो तुम ये दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? माँ, मैं प्रीतम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझ पर तरस खाओ, मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी के प्यार की अमानत मेरे पास है, तरस खाओ मुझ पर। मैं सब जानता हूँ रानो, मुझे सब मालूम है। मैंने तो छुप छुप कर तुम्हारी और प्रीतम की मोहब्बत को पनपते हुए देखा है, मुझे सब मालूम है। लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो मेरा बापू है, जो तुम्हारे प्यार को अपनी दौलत के तराजू में तोलना चाहता है। रानो, तू यहाँ से भाग जा। भाग जा तू यहाँ से। ये दुनिया बड़ी जालिम है। इसके पहले कि इसके जालिम हाथ तेरा गला घोटे, इसके पहले कि यहाँ के बाजार में तेरी मौत का मिलाप हो, तू यहाँ से भाग जा। भाग जा तू। अच्छा। रात गए, इस बरसात में कौन छोड़ गया इस बच्चे को? पता नहीं, हमें तो यही पड़ा हुआ मिला। कितना प्यारा खूबसूरत बच्चा, पता नहीं किसका होगा। खैर कोई बात, आज से ये बच्चा हमारे अस्पताल का बच्चा।
प्लीज कम इन, आ जाओ अंदर। कहो क्या काम है जी? मैं, मेरे पास कोई बात कहो, ये है कहो, बेझिझक कहो। मैं काम करना चाहती हूँ उस अस्पताल में। क्या काम करना चाहती हो? कोई भी, किसी भी किस्म का काम। देखो अगर तुम्हारा मतलब नौकरी से है, वो तो यहाँ कोई भी नहीं। बस अगर मैं यहाँ रह पाती तो। अगर तुम इतना कह रही हो तो यहाँ पर और तो कोई काम है नहीं, बस फर्श साफ करने का काम है। कर सकोगी? जरूर करूंगी। आप शायद नहीं जानते कितना बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। Hey, love.
हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप बता सकते हैं डॉक्टर फर्नांडिस मुझे कहाँ मिलेंगे आप ये डब्बा खोल सकते हैं चॉकलेट क्यों नहीं आप तो बड़े डरपोक हैं डॉक्टर क्या खाक करेंगे आप मुझे जानते हैं अजी अस्पताल के इस छोटे डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपी आपका नाम डॉक्टर कुमार है ना आप बॉम्बे से आए हैं राइट राइट हैं तो आप आंखों के डॉक्टर मगर दिल आपका बहुत कमजोर है मानते हैं आप अगर दिल की बात कही है आपने तो फिर मानना ही पड़ेगा लेकिन हमारी आंखें बहुत तेज है आपकी निकर फटी हुई है पीछे से है? बड़ी शर्म की बात है डॉक्टर साहब दोस्ती करेंगे हाँ हाँ जरूर करेंगे जब यहाँ रहना है एक साथ काम करना है तो आप जैसी महान हस्ती से दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी तो फिर आइए मेरे पीछे पीछे वेलकम वेलकम माय बॉय भाई कल हम सारा दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे कहाँ रह गए थे तुम सर बॉम्बे में डॉक्टर कपूर आंखों का एक नाजुक ऑपरेशन कर रहे थे मैं स्टडी के लिए रुक गया था आई एम सॉरी सॉरी किस बात के लिए हमें तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा शहर छोड़ के तुम हमारे इस छोटे से हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए चले आए यहाँ दिल तो लग जाएगा ना तुम्हारा जी जहां तक दिल का मामला है मैं जरा कमजोर हूँ यकीन हो तो इस छोटे डॉक्टर से पूछ लीजिए आप तो तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है इनसे अजी कोई मामूली मुलाकात नहीं बड़ी शानदार मुलाकात हुई है इनसे पीछे निकल नजर मैं चलता हूँ जा कहाँ रहे हो टोनी कुमार साहब को अस्पताल नहीं दिखाओगे अरे डॉक्टर अंकल ये तो हर वक्त कुछ और ही देखते रहते हैं मुझे फुर्सत नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है जरूर इसने कोई शरारत की होगी तुम्हारे साथ क्या सुनाओ दीदी कुछ ना पूछो तो ही अच्छा है वो नया डॉक्टर तो एक नंबर का हेड मास्टर है मगर तुम मत घबराना पहली ही मुलाकात से ही मुझसे डरने लगा है वैसे आदमी है जरा टेढ़ा अरे यहाँ सीधा है ही कौन दिल को देखो टेढ़ी आंखों से मुझे घूरता रहता है भाँ भाँ। और मैं तो हर एक की नजरों में कांटा बनकर खटकता रहता हूँ ओ देवी अब तुम मुझे दवा पिलाओगी या मैं तुम्हारे पाँव पड़ूं आपको दीदी के पाँव पड़ने की क्या जरूरत है दीनदयाल जी हमें पाँव तो उस कुत्ते के पकड़ने चाहिए जो बरसों पहले काट आपको गया और मुसीबत हमारे गले डाल गया बो 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 चल भाग यहाँ से ओ डेड फुट के विलेन जब भी देखो अगर भाव भाव करके मेरे गले सुलेमान चाचा पुलिस चाचा ये खोल दो ना अच्छा, बड़ी भूख लगी है पुलिस चाचा गिर गए खबरदार अगर तुम में से कोई आगे बढ़ा तो इस बच्चे को फोन कर रख दूंगा डॉक्टर साहब वो खतरनाक खूनी सुलेमान टोनी की गर्दन पे गन रखी यहाँ से निकल भागा है ओ नो आपको उस खूनी से टक्कर लेने की क्या सूझी आप जानती नहीं वो बहुत ही खतरनाक आदमी है टोनी की जान बचाते बचाते आपकी अपनी जान चली जाती तकलीफ हुई जी जी नहीं थैंक यू डॉक्टर इसके लिए थैंक यू की क्या जरूरत जी आपने टोनी की जान बचाने में मेरी मदद की जिस तरह टोनी को बचाने के लिए
आप अपनी जान पर खेल गईं, उतना तो कोई माँ ही अपने बेटे के लिए कर सकती है। बेटा ही तो है मेरा। जी। वो टोनी तो सारे अस्पताल का बेटा है ना? हाँ। आपका नाम क्या है? संध्या। संध्या। क्या हुआ? मुझे बुजुर्गों की कहावत याद आ गई। पता नहीं किस शास्त्र में लिखा है, पर कहीं ना कहीं लिखा जरूर है कि संध्या और प्रभात का मिलन किसी भी युग में नहीं हुआ। और आज देखिए, इस छोटे से कमरे में संध्या और प्रभात आमने सामने हैं। मेरा नाम प्रभात है, प्रभात कुमार। इस छोटे से नाम के लिए बहुत लंबी स्पीच दे दी ना मैंने। अपने बुरा तो नहीं माना? जी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। अब तो हमारी मुलाकात रोज होती रहेगी, खाम खा तकल्लुफ में रहेंगे तो वही लखनऊ स्टेशन वाली बात हो जाएगी। अब आप पूछेंगी लखनऊ स्टेशन पे क्या हुआ? हुआ ये, एक नई नवेली दुल्हन अपने दुल्हे के साथ हनीमून पे जा रही थी। पहले आप के चक्कर में दोनों गाड़ी से भी गए और हनीमून से भी गए। एक बात पूछूं आपसे, आप कभी हंसते नहीं? बेटा, ये अंधेरे में क्या कर रहा है तू? हाँ नहीं माँ, बस यूं ही। मैं समझती हूँ और जानती भी हूँ कि तूने ये आंखों की डॉक्टरी क्यों पास की है। उस एक्सीडेंट में गीता ने आंखें खो दी और इस सदमे में वो दुनिया भी छोड़कर चली गई, इसीलिए तूने। अब छोड़ो माँ, पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फायदा। जाने वाली तो चली गई, लेकिन मेरे दिल में मेरे अरमानों की चिता आज भी सुलग रही है। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तुझे और गीता को लेकर। फिर आंसू? नहीं नहीं नहीं, ये आंसू बहुत कीमती है। लाओ मेरे संभाल लेता हूं। मुझे खुश देखना चाहता है तो एक बात मानेगा मेरी? अरे हाँ माँ, आज हॉस्पिटल में मैंने एक अजीब सी लड़की देखी। कौन थी? नर्स है वो। देखने में कैसी थी? देखना देखना छोड़ माँ, एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उसके चेहरे पे हंसी आती ही नहीं। हाँ? मुस्कुराती तक नहीं। तूने कहा नहीं उसे मुस्कुराने को? कहा तो था माँ, लेकिन ठीक है, मैं फिर कोशिश करता हूँ। हाँ। कल ही कोशिश करता हूँ। हाँ। 101 ये मर्ज का नुस्खा है, दवाई में कुछ चेंजेस हैं। वैसे भी कभी कभी चेंज करना या चेंज होना बहुत ही काम आता है। आप जरा गौर से पढ़िए। थैंक यू। आज आपके होंठों पर हंसी आते आते रुक गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है, उदासी नहीं। मैं चाहता हूं आप सदा हंसती रहे, इससे मरीजों का मर्ज भी अच्छा हो जाएगा और आपको ये सब लिखने की हिम्मत कैसे हुई? जी? मैं पूछती, आपने समझ के रखा है मुझे? आपको शर्म नहीं आती आपको ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए, इस तरह की चिट्ठियां लिखते हुए? देखिए मेरा मतलब। आपका मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। आप मुझे उन लड़कियों में से समझ रहे जो आपकी मुस्कुराओ कहने पर मुंह फाड़े हंसती रहती है।
आप जरा मेरे देखिए, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं चाहे हसूर हूँ या भाड़ में जाऊँ, आप कौन होते उसमें दखल देने वाले? लेकिन आप मेरी आपको इसी वक्त मुझसे माफी मांगनी होगी। अगर आपने माफी नहीं मांगी तो मैं सारे अस्पताल में आपकी बदनामी कर दूंगी, सबको बता दूंगी। आपकी बात तो सुनिए। कौन सी बात, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही। यूं ही तो कुछ नहीं होता, सच बताइए ना क्या बात है। सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ काम है। डॉक्टर फर्नांडिस आपको बुला रहे हैं। अगर तुम सही वक्त पे ना आते तो कुछ ना कुछ हो ही जाता। अच्छा कुछ नहीं हुआ, लेकिन असल में क्या हुआ इसका पता कैसे चलेगा? इरादा तो नेक है ना आपका। मेरा मतलब है आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड, ऐसा ख्याल तो नहीं है? आपको ढूंढते ढूंढते मैं हॉस्पिटल से यहां तक पहुंच गया। अब यहां क्या कर रही है? इस जगह का ज्योग्राफी देख के तो लगता है आप किसी खतरनाक इरादे से आए हैं। आप कभी सीरियस नहीं होते? आप जो हमेशा सीरियस रहती हैं, आपके चेहरे पर मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। आज सुबह मैंने आपको एक नुस्खा दिया था, याद है? कैसा लगा? लीजिए, आप फिर सीरियस हो गए। इंसान जो सोचता है वो हो तो नहीं जाता। हो नहीं जाता, लेकिन हो सकता तो है ना। आज रात मेरी माँ एक पार्टी दे रही है, उसे भी मेरी तरह छोटी छोटी खुशियां बांटने की आदत है, आप आएंगे ना? देखिए, इंसान किसी दूसरे इंसान से अपना दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन खुशियां तो बांट सकता है। आप जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ, वो ठीक ही था। आपने बुलाया सर? नहीं तो। अरे जा कर रहे हो, तुम्हारे लिए सब लोगों को बुलाया है और तुम भी भागे जा रहे हो, दो घड़ी बैठो हमारे साथ। हाँ आइए। नमस्ते। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। आइए, मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ। ये मेरी माँ है। नमस्ते बेटी। और माँ, ये मेरा ऑपोजिट। हाँ? मतलब तस्वीर का दूसरा रुख। मैं प्रभात हूँ, ये संध्या है। अच्छा, बैठो बेटी। तुम भी कमाल करती हो माँ, जो भी सामने आता है बैठने के लिए कह देती। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं संध्या, खड़ी रहो। आज हम डॉक्टर कुमार के गेस्ट हैं ना, ये जो भी कहें हमें सुनना पड़ेगा। जी हाँ, आज तुम्हें जो भी कहूंगा सुनना पड़ेगा। गाना गाऊंगा तो वो भी सुनना पड़ेगा, आप सुनेंगे? जी। बैठे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर होकर गाना कुछ ठीक नहीं लगता। एक मिनट, एक मिनट, गा ही लेता हूं। मेरा जन्मदिन है, मैं नहीं गाऊंगा तो और कौन गाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। La 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 zindagi me sada muskurati rahu zindagi me sada muskurati rahu faasle Thank you.
बेटी, मेरे बेटे का गीत अच्छा नहीं लगा? जी बहुत अच्छा था। गीत की धुन? वो भी अच्छी थी। और सुर? बहुत अच्छे थे। और आवाज? वो भी। और मेरा बेटा? वो भी। आज मुद्दत के बाद मैंने अपने बेटे को मुस्कुराते गाते देखा है। बरसों के बाद उसके होंठों पर सच्ची हंसी के फूल खिले हैं। नहीं तो मैं जानती हूं कि वो अंदर ही अंदर घुटते हुए हैं, झूठी हंसी के सहारे ही जिंदगी गुजार रहा है। बेटी, ये परिवर्तन शायद तुम्हारी मुलाकात के बाद ही हुआ है। माँ जी, हाँ, ये ख्याल मुझे अभी अभी ही आया है। मैं मानती हूं कि बहुत जल्दबाजी में मैं ख्वाहिश करने लगी हूं, मगर मेरे बेटे के चेहरे पर ये खुशी मैंने बहुत दिनों के बाद देखी है। मैं इसे खोना नहीं चाहती, अगर तुम मानो तो। क्या माँ जी? आज जो चमक मैंने उसकी आंखों में देखी है, मैं नहीं चाहती कि वो सिर्फ एक पल भर के लिए ही रहे। अगर तुम चाहो तो ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी में आ सकती है। अगर तुम इस घर में मेरे बेटे की। नहीं माँ जी, वो क्यों बेटी? तो क्या ये खुशी मेरे बेटे के चेहरे से फिर हट जाएगी? नहीं, मैं इस घर में फिर से खामोशी छा जाएगी। ये गीत क्या एक पल भर के लिए ही गूंजा था? देखिए माँ जी, वो एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ मांग रही है। तुम कहो तो मैं, बेटी मैं अपनी झोली फैला दूं? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता। माँ
कैसे समझाऊं क्या क्या गुजर चुका है मेरी जिंदगी में। दीदी दीदी दरवाजा खोलो दीदी 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 बेटा बहुत डर लग रहा था बहुत डर लग रहा था दीदी अस्पताल में बिजली चमक रही थी बारिश भी रही थी बहुत डर लग रहा था दीदी बहुत डर लग रहा था राजा माँ है ना तुम्हारे पास डरो मत क्या बात है बेटे सुबह से देख रही हूँ बड़ी सोच में बैठे हो नहीं 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 तो बात ये है माँ कभी कभी सोचना इंसान की सेहत के लिए जरूरी है बस तुम्हें तो अपनी सेहत का ख्याल है माँ की जरा भी फिक्र नहीं रात को मैंने जो लड़की देखी थी मुझे पसंद है अच्छा माँ वो लड़की पार्टी से इतने जल्दी क्यों चली गई किसी ने कुछ कहा उसे नहीं तो सिर्फ मैंने कहा था कि तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाए ओफो माँ तुम भी कहीं उसे क्या कहीं वो बुरा मान गई तो नहीं स्टेला जी तुमने संध्या और टोनी को देखा नहीं मैंने तो नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा तुम चुप रहो थर्मामीटर निकाल लो किसने कहा बहुत परेशान करते हो दीनदयाल मैं परेशान करता हूँ या कोई खुद खुद परेशान हो रहा है दरअसल मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती डॉक्टर साहब बहुत परेशान नजर आते हैं देखा ना इसे कहते हैं कि हीरोइन गायब तो हीरो भी गायब इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया खैर महीना कोई भी हो हर महीने की पहली तारीख संध्या हेड ऑफिस जाती है नई दवाइयों का स्टॉक और स्टाफ की पेमेंट डालने ये जिम्मेदारी उसकी है टोनी उसके साथ चला जाता है 6-7 बजे तक आ जाएंगे घबराओ मत नहीं नहीं मैं घबरा नहीं रहा था सर मैं वैसे ही सोच रहा था ठीक है मैं चलता हूँ बस जा रहे हो आप कहते हैं मैं बैठ जाता हूँ नहीं नहीं मैं तो यूं ही पूछ रहा था जा मेरा मुन्ना बेटा सो गया चल राजा चल ये सामान जरा स्टोर्स में रखवा देना आप हाँ मैं आप ही का इंतजार कर रहा था मेरा इंतजार जी वैसे तो मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ कल रात आप पार्टी से अचानक चली गई मैं समझा जी मैं समझा आपको मेरा गीत पसंद नहीं है अरे इतनी सी बात कहने के लिए इतनी रात गए आप जी हाँ नहीं मेरा मतलब जी नहीं मुझे बस यही कहना है कि आप माँ की बातों पे फंस जाएगा वैसे हर माँ अपने बेटे के लिए इसी तरह की बातें करती है ना जी वैसे तो कोई बात नहीं मैं तो भूल भी गई थी अच्छा और मैं सुबह से परेशान था कहीं आप बुरा ना मान गई हो आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया लाइए मैं आपका बोझ हल्का कर देता हूँ नहीं टोनी का भी कोई बोझ है तो ठीक है आप दोनों को छोड़ देता चलिए ये सब आपने अपनी आंखों से देखा नहीं तुम्हारी आंखों से देखा ओ कालग्राम तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे भाव भाव। लेकिन इतनी रात के तुम किस खुशी में जाग रहे थे अरे जाग कौन कमबख्त रहा था वो तो उनकी कार आकर रुक गई और उसकी आवाज आई तो मेरी आंख खुल गई
तो मैं उठा यहाँ से खिड़की तक पहुंचा। नीचे क्या देखा कि दोनों चिपके हुए हैं और बड़ी मीठी मीठी प्यार की बातें कर रहे हैं। वो तो खिड़की पर शीशे लगे हुए थे इसलिए कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। मेरा अपना ख्याल है कि वो ये सलाह कर रहे थे कि कल किस जगह मिला जाए। अरे चुप, वो आ रही है। अब तो बिल्कुल बुखार नहीं आपको? हाँ, मेरा मर्द आज तक किसी ने समझा भी है? और फिर जो खुद मरीज वो किसी का इलाज क्या खास करेगा? वाह वाह, आपने कुछ कहा मुझसे? जी नहीं, मैं तो पागल हूँ, दीवाना हूँ, खामखा भाव भाव करता रहता हूँ। अच्छा लीजिए। कहो दीनदयाल, कैसे हो? अच्छी हूँ, अच्छा हूँ। ये कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर बिस्तरा खाली कर दो, बहुत दिन आराम किया। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि आपको मेरा यहाँ रहना क्यों खटक रहा है। मैं साहब छोटे डॉक्टर, इनका ठीक से ख्याल रखना है। मैं सब समझता हूँ, सब देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। यहाँ क्या क्या तमाशा हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? अरे देखा नहीं तुमने, पहले तेरी दीदी गई और बाद में डॉक्टर साहब भी चले गए। पाँ पाँ। तुम अपनी जबान बंद नहीं करोगे? गंदी गंदी बातें करते हो दीदी और डॉक्टर साहब के बारे में, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शर्म मुझे क्यों आए? शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने अस्पताल को लैला मजनू का अखाड़ा बना दिया। क्या हाल है तुम्हारे स्पेशल मरीज का? कुत्ते की तरह भौंक रहा है। डॉक्टर अंकल अपने अस्पताल में सब ठीक होने के लिए आते हैं ना? हाँ। ये साला मरने आया है? नहीं, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। बहुत ही भयंकर कीड़ा है ये, तो वो टिक 20 है ना, उससे भी नहीं मरेगा। ये ले, उसको दे। डॉक्टर साहब ने तुम्हारे लिए दवाई भेजी है। ओ, हमारे लिए दवाई भेजी है तो अब इसके मरीजों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हम जैसे मरीजों को अपने हाथ से दवाई दें। पहले तुम ये दवाई पी तो लो, फिर तुम्हारी सारी बीमारी एक ही झटके में खत्म। ए डेढ़ फुट के विलन आज बड़े प्यार से दवाई पिला रहा है, कहीं इसमें जहर तो नहीं? हाँ, मैं तुम्हें जहर ही देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। ऐसा हमारी जबान कौन बंद कर सकता है? पाँ पाँ। अरे मेरी गर्दन पर छुरी रख दी गई है और ये कहते हैं कि चिल्ला क्यों रहे हो? ये डेढ़ फुट का विलन मुझे मार डालना चाहता है और तुम कहती हो कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं? क्या कहते हो? अरे ये सूंड़ो, पी कर देखो। टोनी, क्या है इसमें? जहर टिक 20, मैं इसे मार डालना चाहता हूँ। ये जब देखो तब दीदी और डॉक्टर साहब के बारे में गंदी गंदी बातें करता रहता है। ये मर जाएगा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। लो बोलो, मैं मुसीबत हूँ। डॉक्टर साहब, टोनी ने दीनदयाल को दवाई में टिक 20 मिलाकर जहर देने की कोशिश की। ये टोनी की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही। देखो तुम अनाथालय फोन करो और उनको बोलो कि अभी पुलिस भेज कर इस लड़के को ले जाए यहाँ से। प्लीज टोनी को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बेतहाशा रो रहा है। मैं जानता हूँ, मुझसे भी उसका रोना दिखाना गया, इसलिए तो मैं यहाँ चला। प्लीज कुछ कीजिए ना। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? उसने दीनदयाल को जहर देने की कोशिश की,
ये एक बहुत ही संगीन शरारत है। तो क्योंकि बच्चे शरारत नहीं करते, उन्हें उन्हें यूं घर से बाहर फेंक दिया जाता है। तुम डॉक्टर फर्नांडिस से बात क्यों नहीं करती? मैं गई थी उनके पास, उन्होंने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। आप डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके टोनी को बचा लीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ प्लीज। सुनिए, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, टोनी से मुझे भी तो लगाव है, मैं भी नहीं चाहता उसे हॉस्पिटल से निकाला जाए, लेकिन डॉक्टर फर्नांडिस का फैसला हमें मानना होगा। अपने लगाव के आगे हमें अपना फर्ज भी। आप लगाओ की बात करें डॉक्टर साहब, मैं उसकी माँ हूँ। टोनी मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म का हिस्सा है वो, कोई अपने जिस्म के टुकड़े होते हुए कैसे देख सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास आई हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए प्लीज। मुझे बचा लीजिए दीन दयाल जी, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको कभी करने दीन दयाल जी, मैं आपको कभी करने छोड़ूंगा, मुझे बचा लीजिए दीन दयाल जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दीन दयाल जी। आप इसे मत लेकर जाइए, भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए मेरे पास। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी गलती की सजा किसी और को मिले। आप भगवान के लिए टोनी को अनाथालय भेजने का ऑर्डर वापस ले लीजिए। कुमार, तुम भावनाओं में बह रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंटीमेंट्स में तुम इतने बेवकूफ हो जाओगे। तुम दिल ही दिल में संध्या को चाहने लगे हो, इसीलिए उसके बच्चे को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर ले रहे हो। आप जानते हैं कि टोनी संध्या का बेटा है? ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जब टोनी के इस अस्पताल में कदम रखते ही वो दूसरे ही दिन नौकरी मांगने आई थी। फिर तो आप माँ की ममता को भी समझते ही होंगे। सर, आपको मदर मैरी का वास्ता है, एक बच्चे को अपनी माँ से अलग होने से रोक लीजिए। मैं नहीं चले दूंगा, मैं नहीं चले दूंगा। डॉक्टर साहब, आप इसको नहीं ले जा सकते, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी लाश के ऊपर से ले जाइए, मुझे कुटल डालिए, मगर इसको छोड़ दीजिए, इसे मत ले जाइए, इसे मत ले जाइए डॉक्टर साहब, इसे मत ले जाइए। दीनदयाल जी, टोनी अब कहीं नहीं जाएगा, इसी अस्पताल में रहेगा। मम्मी, मम्मी, माँ, डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुमने मुझे बचाया, तुम मेरी माँ हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर जो एहसान किया। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, टोनी को अपनी माँ मिल गई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। देख रहा हूं फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू, लाइए आंसू मैं अपनी जेब में रख लेता हूं। मुझे ये मोती जमा करने की आदत है। डॉक्टर साहब, ये आंसू तो मेरी जिंदगी बन गए हैं, कभी कभी लगता है इन यादों के अंधेरे में ही दम घुट जाएगा। मेरी दास्तान चंदनपुर गांव के एक छोटे से ढाबे पर शुरू हुई जो मैं और मेरी माँ चलाते थे, और एक दिन मेरी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से हुई। इसी मोड़ पर उसकी किस्मत की कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म नहीं होती है बेटे, कहानी तो अब शुरू हुई है। माँ, हाथ पर बनी हुई लकीरें तो कोई मिटा नहीं सकता, और ना ही भगवान की दी हुई किस्मत को कोई बदल सकता है।
लेकिन इंसान चाहे तो किसी की जिंदगी तो बदल सकता है। अरे माजी आप क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ऐसा क्यों कहती आप, आइए ना अंदर, आइए आइए। अंदर तो मैं आऊंगी ही, मगर जाऊंगी आज फैसला करके। किस बात का फैसला माँ जी? फैसला मेरी और तुम्हारी जिंदगी का, मेरे और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का। जी देखो बेटी, माँ मैं भी हूँ और माँ तुम भी। मेरे और तुम्हारे बीच ममता का रिश्ता है। मुझे अपने बेटे का सुख चाहिए और तुम अपने बेटे को सुखी देखना चाहती हो। माँ जी डॉक्टर साहब के इतने एहसान है मुझ पर कि... नहीं बेटी, मैं उन एहसानों का बदला मांगने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। पुरानी बातें दोहरा रही हूँ, पर आज उसकी वजह दूसरी है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारा बेटा अपनी सारी जिंदगी इसी अस्पताल की चार दीवारी में ही गुजार देगा? क्या वो किसी से कभी नहीं कह पाएगा कि उसके पास भी एक बाप का नाम है? अभी उसकी उम्र ही क्या है, जितनी देर करती जाओगी ये बात उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। उसका कल सवारने के लिए तुम्हें कोई ना कोई सहारा तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं बात सब समझती हूँ माँ जी। साल पहले भी मुझे मां ने सलाह दी थी, तब मैं नहीं मानी थी, भूल की थी मैंने। लेकिन आज आज वो भूल मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। अपने मुन्ने के खातिर मैं आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूंगी। अपनी जिंदगी में सारी खुशियां पाने का हक मुन्ने को भी है, मैं उससे वो हक नहीं छीनूंगी। मैं मुन्ने के खातिर कुछ भी करूंगी। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, जरूर मानूंगी। आज मुझे मेरी बहू मिल गई और तुम्हारे बेटे को बाप का नाम। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो, गम की परछाई भी तुम्हारे नजदीक ना आए। माँ जी मुझे आप मिल गई, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। बेटी डॉक्टर कॉल रहा जी, इनका चेकअप करके रखिए, मैं अभी आता हूँ। आइए जी। काफी खून बह चुका है मरीज का, जब तक वो होश में ना आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाय द वे वो है कौन? बड़ा बदकिस्मत है डॉक्टर, 7 बरस की जेल काट के आज ही इसे आजादी मिलने वाली थी। जेल ही में खूनी से टक्कर हो गई, बजाय आजादी के जेल की चार दीवारी से सीधे अस्पताल की चार दीवारी में आ पहुंचा। Very sad. डॉक्टर अगर उसे होश आ जाए तो कह दीजिएगा कि अब वो आजाद है। ये रहे उसके आजादी के कागजात। वाहरी तकदीर, आप उसकी रिहाई के कागजात दे रहे हैं और मैं इस हॉस्पिटल में उसके दाखिले के कागजात तैयार कर रहा हूं। ये अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है? ले जाइए। आप कौन है? आप इस वक्त अस्पताल में हैं। मगर ये अंधेरा क्यों कर रखा है? अंधेरा कहाँ है, खिड़की खुली है, अभी तो रोशनी है। तो फिर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
हाँ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर! क्या कह रही हो तुम? हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 10 नंबर का मरीज होश में आ गया है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जाओ डॉक्टर कुमार को बुलाओ फौरन। अच्छा। आज माँ बहुत खुश थी, जानती हो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? संजय जब शादी करके इस घर में आएगी तो पूरे घर में रोशनी हो जाएगी, जैसे मैं तुमसे नहीं किसी ट्यूबलाइट से शादी करने वाला हूँ। डॉक्टर अंकल, आपके लिए केस है, आपको फौरन बुलाया है, चलिए। आओ संजय। मैं हाँ, अब तो मैं तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। आओ चलिए। डॉक्टर आओ। डॉक्टर कुमार, पेशेंट की शायद आंखें चली गई हैं, ऑपरेशन करना होगा। इसका चेहरा, आप कहें तो मैं पट्टियां खोल दूं? नहीं, खून बह जाने से कमजोरी बहुत आ गई है, ऑपरेशन के काबिल तो यह कुछ दिनों के बाद ही होगा। डॉक्टर कुमार, यह तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होगा, क्यों? जी हाँ, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। वैसे आपकी दुआ से संध्या प्रभात को मिली गई। इस मौके पे मैं भी कुछ मांग लूं? हाँ हाँ छोटे डॉक्टर, अगर आप कहे तो इस मरीज की देखभाल मैं करूँ। हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात। संध्या, यू कम विद मी, योर पेशेंट। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी नाम, नाम मता पता ठिकाना सब कुछ था, अब सब कुछ खत्म हो गया डॉक्टर साहब। आंखें चली गई, इससे अच्छा होता जिंदगी ही चली गई होती। ऐसा क्यों कहते हो? इंसान को इतना निराश नहीं होना चाहिए, कभी कभी उसकी खुशी उसके इतने नजदीक होती है फिर भी वो उसकी तलाश करता रहता है। जा मैं तो से ना ही बोलूं, बोलूं रे बलम वाह। वाह, आज तो बहुत सुर में गा रहे हो दीनदयाल जी। डॉक्टर साहब, जिंदगी बेसुरी सही, मगर दिल तो अभी तक सुर में है। जरा सुनिए। ये गलत सुर कहां से लगा? योर फैमिली दीनदयाल जी आए। ओ, हम आपको लेने आए हैं। आप हमें भूल जाएं, लेकिन हम आपको कैसे भूल सकते हैं डैडी, आखिर आपका खून है। मैं अपने खून और अपनी औलाद को अच्छी तरह जानता हूँ। फौरन मतलब पे आओ। बात दरअसल ये है डैडी कि हम सब कुछ दिनों के लिए विदेश जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, इतने बड़े घर को, छोटे छोटे बच्चों को, नौकरों के सारे कैसे छोड़ सकते हैं? जमाना खराब है, आप तो जानते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उल्लू के पट्टो, तुम्हें बाप की नहीं एक चौकीदार की जरूरत है। मगर डैडी, बोलो बाप। मैं तुम कमीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम्हें घर की रखवाली करवानी होती है तो मुझे घर ले जाते हो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मुझे फिर अस्पताल में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम बीवियों के गुलाम हो। माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं सिर्फ इसलिए कि बड़ापे में बच्चे उनकी सेवा करें। सेवा तो क्या, तुम लोगों ने पानी तक नहीं पूछा मुझे कभी। मगर घबराओ नहीं मेरे लाडलो, तुम अपनी औलाद को बड़ा होने दो, अगर वो भी तुम्हें जूते मार मार कर सड़क पर ना बिठा दे तो मेरा नाम दीनदयाल नहीं। चले जाओ यहाँ से, मेरा कोई घर नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं। ये तुम्हारा कमरा है, आज से तुम यहाँ रहोगे 10 नंबर में, यहाँ बैठो। बेटे,
तुम्हारी क्या उम्र होगी? यही कोई 7-8 साल, पक्का ठीक से मालूम नहीं। आज मेरे बेटे की उम्र भी यही होगी। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कुछ मालूम नहीं बेटे, लेकिन जब आंखें आ जाएंगी ना तो उसे ढूंढ लेने हैं। जब तक वो ना आए तब तक मुझे ही अपना बेटा समझ लो ना अंकल। अरे बेटे कितने अच्छे बेटे हो। चलो सांस लो जरा जल्दी, चलो जीभ निकालो। अरे छोटे डॉक्टर जिंदाबाद। आप मुझे बेटा कहते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों भाई, मेरी तरह तुम्हारा दुनिया में कोई और नहीं है क्या? नहीं, अब तो सभी हैं। दीदी है उसको मैं मम्मी कहता हूँ, और आप मुझे बेटा कहेंगे तो मैं आपको डैडी कहूँगा। अरे शाबाश। कोई इमरजेंसी कैसा है? जी हाँ इमरजेंसी है। अरे ये हाँ, तो क्या कह रहे थे? अरे क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गए? यूं ही बस मन नहीं लग रहा था, सोचा उन डॉक्टर साहब से मिला हूं जो मेरी आंखों को रोशनी देने वाले हैं। आओ बैठो। जी रुक जाओ डॉक्टर साहब। ये आवाज किसकी थी डॉक्टर साहब? कौन सी आवाज? यही आवाज जो अभी अभी बाहर से आई। अरे रुको पकड़ो। अभी जिसने टोनी को बुलाया? हाँ डॉक्टर साहब, जिसने अभी अभी कहा रुक जाओ। वो नर्स की आवाज है। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। क्यों नहीं पहचानोगे, वो इसी हॉस्पिटल में तो काम करती है। अच्छा क्या नाम है इसका डॉक्टर साहब? संध्या। संध्या ही नाम है ना? हाँ क्यों? अजीब बात है। क्या हुआ? ऐसी ही आवाज थी डॉक्टर साहब जो कभी मेरी जिंदगी थी। क्या कहीं खो गई है तुम्हारी जिंदगी? ऐसा ही समझ लीजिए डॉक्टर साहब, बरसों से इसी आवाज और अपनी जिंदगी की तलाश में ही तो भटक रहा हूं। आज जब ये आवाज सुनी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे रानू। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम मेरा नाम है डॉक्टर साहब। तुम काम क्या करते थे, मतलब जेल जाने से पहले? ट्रक ड्राइवर था डॉक्टर साहब, चंदनपुर हाईवे के पेट्रोल पंप के पास मेरा अड्डा था, और उसी पेट्रोल पंप के सामने ढाबे पे रानो से मुलाकात हुई। मुलाकात क्या डॉक्टर साहब, रानो जान थी मेरी, उससे मेरी शादी होने वाली थी। फिर शादी हुई नहीं तुम्हारी? नहीं डॉक्टर साहब, शादी से पहले रानो की मां का कर्ज अदा करना था, साहूकार की रकम, और ये रकम मेरे और रानो की शादी के दरमियान एक दीवार थी। मैं ठहरा एक मामूली सा गरीब ट्रक ड्राइवर और हजारों की रकम, मेरे ड्राइवर साथियों से जो कुछ बन सका किया, पैसे इकट्ठे करने के लिए भांगड़ा किया। कहने को
7,706 उस्ताद जी कुल इतने हुए हैं। फिर तो ब्याह नहीं होगा बंदे। हाँ उस्ताद जी, इसमें शादी तो नहीं हो सकती। ओ प्रीतम
इन नोटों का पुल बनाकर चढ़ जा, तू भी क्या याद करेगा। जग्गा सारे जग की बातें जानता है। और सारा जग जग्गा को जानता है। मालूम है। तेरा मतलब क्या है जग्गा? और मतलब क्या, मुसीबत में बंदा बंदे के काम ना आए तो बात क्या हुई। बाकी रही तेरी मेरी दुश्मनी, वो रही अपनी जगह पर। देखो प्रीतम, ये नोटों का थप्पड़ मारता है फकीर चंद के मुंह पर और अचानक राणा से शादी। आखिर तो अपनी बरादरी का है। चला जा यहां से चक्का, वरना मैं नहीं चाहता कि रानो के शादी वाले जोड़े के लाल रंग में तेरा लहू भी शामिल हो। शराबत का तो जमाना नहीं रहा। मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा था, भलाई का जमाना ही नहीं। चलो। अच्छा प्रीतम, क्या हो रहा है? बात करो तो साफ साफ। सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ जी, अगर हो सकी तो। बात करो तो साफ साफ। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पहाड़ी के उस पार दो ट्रक बारूद के भेजना चाहती है और ट्रक ड्राइवर को 10,000 की नकद रकम मिलेगी। एक तो तैयार हो गया, दूसरा नहीं मिल रहा। कितनी रकम कही आपने? 10,000। माना कि काम मुश्किल है, ना कोई रास्ता है ना पगडंडी। पहाड़ी के मोड़ बहुत खतरनाक है, हर कदम पर खतरा ही खतरा है। फिर भी बात करो तो साफ साफ, पूरे 10,000 की रकम होगी। मैं जाऊंगा, मैनेजर साहब मैं जाऊंगा। सोच लो प्रीतम, काम खतरे का है। अरे इज्जत पे कोई खतरा ना है, इसके लिए मुझे जान पे आया हर खतरा मंजूर है। तो फिर तैयारी करो उस्ताद। नहीं बनते हैं, ये लड़ाई मेरे अकेले की है। अगर इसमें किसी की जान की बाजी लगेगी तो सिर्फ मेरी लगेगी। मेरी दुल्हन मेरा रास्ता रोके खड़ी थी, मैं उसे कैसे बताता कि पूरा ट्रक बारूद की पेटियों से भरा हुआ है। अगर उसे मालूम हो जाता डॉक्टर साहब, तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती। मैं तो वापस आकर उसे चौंका देना चाहता था। वो जिद कर रही थी और मैं जाने की जल्दी में था। शाम होने से पहले पहल उस पहाड़ी के खतरनाक मोड़ पार करने थे मुझे। जसवंत, ओ प्रीतम आगे रास्ता बंद है। रास्ता बंद है? हाँ। अरे नहीं यार, आज कोई रास्ता वास्ता बंद नहीं होगा। अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर है। सुन, तेरे पास ड्रिल मशीन है ना? है, लेकिन उससे क्या होगा? तू ले आ, कुछ ना कुछ करता हूं। Thank you.
रोज निकले थे, ये तो एक ही पहुंचा। अरे दूसरा कहां गया? पीछे होगा नहीं, पीछे। ये तो आ गया ना। लो महाराज संभालो अपना बारूद से भरा हुआ ट्रक और निकालो मेरे पैसे, जल्दी करो भाई। ये लो आप अपने पैसे और मैं आपको इनाम भी दूंगा। बहुत थक गए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं महाराज, अभी कहाँ आराम, अभी तो बहुत जरूरी काम है। इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गा सारे जग की बातें जानता है। मेरे रास्ते से हट जा जग्गा,
आज मैं किसी से उलझना नहीं चाहता। आज मेरा कोई इंतजार कर रहा है। वो इंतजार तो कभी खत्म नहीं होगा प्रीतम। और आज तो फैसले की घड़ी आ गई है। मुझे तुमसे अगले पिछले सब हिसाब साफ करने हैं। देख जग्गा, अभी अपनी जिंदगी पड़ी है, अपना हिसाब फिर कभी कर लेंगे। आज मुझे किसी की मांग में सिंदूर भरना है। आज मैं अपना हाथ तेरे खून से लाल नहीं करना चाहता। अरे यही तो देखना है कौन किसके खून से हाथ रंगता है। आज वक्त मिला है प्रीतम, फिर शायद मौका मिले ना मिले। होश में आ जग्गा, मैं कहता रुक जा। आज दुनिया की कोई ताकत जग्गा को नहीं रोक सकती। प्रीतम, मैंने तो सोचा था बारूद से तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। आज तक किस्मत तेरा साथ देती रही है, लेकिन आज ये देखना है कि तेरी जिंदगी तेरा साथ देती है कि नहीं। राम साधे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार सुन ले, जग्गा सारे जग की बातें जानता है। कानून अंधा बहरा ही सही, फिर भी फैसला देख सुनकर ही करता है। इसीलिए कानून ने तुम्हें फांसी की बजाय 7 साल की सजा दी, और ये 7 साल भी पलक झपकते ही बीत गए। हाँ साहब, और इसी पलक झपकने में मेरा सब कुछ लुट गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि आज जेल में तुम्हारा आखिरी दिन है। हाँ प्रीतम, कल का सूरज तुम्हारे लिए आजादी का फरमान लेकर आएगा। लेकिन जो कैद तकदीर के इंसाफों पर लिख दी गई है, उसका क्या होगा? अरे भाई प्रीतम, आज कुछ कैदी बदली होकर यहां आ रहे हैं। उसमें जग्गे का बड़ा भाई बग्गा भी है। वो अपने भाई के खून का बदला तुमसे लेना चाहता है। हाँ, और आज तुम्हारा यहां आखिरी दिन है ना? जरा संभल के रहना। हाँ बग्गा, ये बग्गा कौन है? बग्गा नाम है मेरा सोनिया। जानता हूँ, इसीलिए तो तुमने इस जेल में बदली करवाई है। लगता है इस जेल का खाना तुझे बहुत अच्छा लगता है बग्गा। खाना किस कमबख्त को पसंद है। मैं तो यहाँ किसी का खून पीने आया हूँ। मगर बग्गा, अगर मगर तोड़कर अपनी जेब में रख ले सोनिया, वरना उस पंछी के पर कतरने से पहले कहीं तेरी गर्दन डाउन ना हो जाए। गलती हो गई बग्गा, मैं तो यूं पूछ बैठा। गलती तुझसे हो गई ना, मुझसे नहीं होगी।
ज्यादा खाकर भी क्या करेगा, अब तो तेरा आखिरी वक्त आ गया है सोनिया। क्या चाहता है बग्गा? एक छोटी सी तमन्ना लेकर बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। सुना है कल तुम इस जेल से रिहा होने वाले हो। इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कैद से रिहा करना चाहता हूं। देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तेरे भाई ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था, फिर भी मैं उसे नहीं मारना चाहता था। वो तो बेवकूफ था जो जबरदस्ती तुम्हारे रास्ते में आ गया। मैं अपनी मर्जी से आया हूं तुम्हें ठिकाने। देख बग्गा, मैंने बड़ी मुश्किल से 7 साल इस जेल में गुजारे हैं। सिर्फ एक ही उम्मीद के सहारे जिंदा रहा हूं कि कब इस जेल से बाहर जाऊं, कब अपनी रानों को तलाश करूं और कब अपने बच्चे का मुंह देखूं। पहले अपनी आंख के सामने खड़ी इस मौत को देख ले सोनिया। बग्गा, मैं तुझसे उलझ कर फिर से वही कहानी नहीं दोहराना चाहता जिसकी वजह से 7 साल मुझे इस जेल के अंदर खुट खुट कर जीना पड़ा। मैं तो बस अपनी रानों। रानों क्यों तड़प रहा है उसके लिए? वो तो ना जाने कितने मर्दों की रानी बन चुकी होगी। बग्गा, मैं जानता हूं ये यहां क्यों आया। इसका इलाज मैं करता हूं, पकड़ लो इसे। ले जाओ इसे। जाता हूं सोनिया, कह दे अपने इस पंछी प्रीतम से मैं फिर आऊंगा। बग्गा, देख बग्गा, बच्चे बग्गा, अभी तो तुझे तेरी बीवी और बच्चे से। देख बग्गा, देख, मुझे बीवी बच्चे से मिले। रुक जाओ बग्गा। जिंदगी तो बच गई डॉक्टर साहब, मगर आंखों की रोशनी चली गई। जेल से तो आजाद कर दिया गया, मगर तकदीर की जंजीर में अभी तक जकड़ा हुआ हूं। अब तो ऐसी हालत हो गई है मेरी कि रानो सामने भी हो तो उसे देख नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरी गोद में भी हो तो उसे पहचान नहीं सकता। मुझ जैसा बदकिस्मत शायद ही इस दुनिया में कोई और होगा। इतने दिनों बाद मौका आया है तो क्या कोई कसम उठा रखूंगी? बिल्कुल नहीं। अरे ये अभी तक कमरे में ही है, बाहर क्यों नहीं आता? बेटा प्रभात, हाँ इधर आना, देख कितनी तैयारियां कर रखी है मैंने। हाँ वहाँ क्यों खड़ा है? देखना ये हार, देख उसे पसंद आएगा। हा? और ये साड़ियां देख, तू बोलता क्यों नहीं? बोलना, तू चुप रहता है तो मुझे डर लगता है। क्या हुआ माँ? इतनी सारी तैयारियां क्या जरूरत थी? अरे ये तो कम है, सच बताऊं लगता है कि कहीं किस्मत मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो कुमार। हेलो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो?
जी नहीं तो देखो आज पहली बार तुम्हारी आवाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही, बात क्या है बताओ। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो आज उस मरीज की आंखों का ऑपरेशन है और इस अस्पताल में तुम्हारा पहला ऑपरेशन, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है तबीयत। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डॉक्टर आज मेरे साथ ड्यूटी पर कौन कौन सी नर्स है? घबराओ नहीं, वो भी होगी जिसने आगे चलकर सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करनी है। देखिए सर मैं दरअसल माँ का कहना है कि दो दिन के बाद शादी, इसलिए वो नहीं चाहती कि दुल्हन घर के बाहर निकले। ओके एज यू विश। थैंक यू। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब आप भी, कल अगर उनकी शादी है तो मेरी भी तो है, अगर वो ऑपरेशन कर सकते हैं तो मैं अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर सकती? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो संध्या, मगर मुझे जो डॉक्टर कुमार ने करने को कहा मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। ऑल राइट। सुनिए तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से तुम। कैसा हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन तो ठीक हुआ। देख पाएगा? देख भी पाए ना भी देख पाए, मैं डॉक्टर हूं, इंसान हूं, कोई भगवान नहीं। छोटे डॉक्टर कहाँ थे इतने दिन? बहुत बिजी था अंकल, एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। वो जो अपने डॉक्टर साहब है ना डॉक्टर कुमार, उनकी शादी हो रही है दीदी के साथ। दीदी से? हमारी नर्स दीदी संध्या, वो पहले मेरी दीदी थी अब मेरी माँ है। लो ये लड्डू भेजे डॉक्टर साहब की माँ ने, शादी के लड्डू है, आओ आपको मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। मैं खा लूंगा बाद में। मगर खाना जरूर, अब मैं चला क्योंकि पूरे अस्पताल में लड्डू बांटने ना मरने की भी फुर्सत नहीं। अरे कौन नर्स? देखो ना सब कुछ गिर गया, मेरी रानू भी यही कहीं है, जरा उसे उठा देना नर्स। हाँ ये मेरी रानू है, देखना इसमें कहीं कोई दाग तो नहीं लग गया है ना। आंसू? अरे तुम रो रही हो? अच्छा लगता है मुझे दुखी देखकर, शायद तुम्हें भी कोई अपना दुख याद आ गया। नहीं मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, तुम फिक्र मत करो, दो घंटे तक वो आंख नहीं खुलेगा। कैसे हो प्रीतम?
आइए डॉक्टर साहब, अंधा हो ना इसलिए सब कुछ बिखर गया, आपकी शादी के लड्डू भी। कल तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलने वाली है, जानते हो ना? हाँ डॉक्टर साहब जानता हूँ। कल तुम्हारा भी इम्तिहान है और मेरा भी। डॉक्टर साहब आपने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, एक आखिरी एहसान और कर दीजिए ना, कल जब पट्टी खुले तो मैं सूरज की रोशनी की पहली किरण उस देवी के चेहरे पर देखना चाहता हूँ जिसकी आवाज मेरी रानों से मिलती है और जो जीवन के सफर में आपके साथ ही बनने वाली है। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। संध्या तुम मेरी बात। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं आप? वो चाहता है जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आए तो सबसे पहले वो तुम्हें देखे। मगर ये कैसी जिद है इस मरीज की। माँ ये तुमसे ज्यादा संध्या समझती है। देखो संध्या, मैं एक डॉक्टर हूं, तुम एक नर्स हो और वो हमारा मरीज है, उसकी हर तमन्ना पूरी करना हमारा फर्ज है। तुम आओगी मेरे साथ इसी वक्त? स्टेला, धीरे धीरे तुम्हारी तमन्ना थी ना, सबसे पहले तुम संध्या को देखना चाहते हो, देख लो तुम्हारे सामने खड़ी है, अच्छी तरह देख लो। डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर क्या कह रहे हो तुम? मैं सचमुच कुछ देख नहीं पा रहा डॉक्टर, ये हो ही नहीं सकता। हाँ डॉक्टर तुमने ठीक ही कहा था, इन आंखों में रोशनी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, शायद उजाला मेरी किस्मत में है ही नहीं। डॉक्टर उजाला मेरी किस्मत में है ही नहीं। डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन ये कैसे हो गया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हो सकता था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब। हाँ बहुत जरूरी था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ? मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, जबकि मुझे डर था कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आते ही मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। तो आप? हाँ मैं प्रीतम और तुम्हारे बारे में जानता हूँ। आपको सब कुछ मालूम था? हाँ सब कुछ। पर आपने मुझे फिर भी कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि आपने मुझे इसलिए नहीं बताया कि आप नहीं चाहते थे कि प्रीतम की जिंदगी में कोई रोशनी की किरण वापस आ जाए, इसीलिए आपने मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं आने दिया। और यही वजह थी कि इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी आपका ऑपरेशन नाकामयाब रहा। पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो वैसे भी आपके और बाजी के एहसानों के तले दबी हुई। इसीलिए
मैं नहीं चाहता था तुम अपने दिल पर एहसान का बोझ लेकर कोई फैसला करो। लेकिन जब भी मैं मां को देखता था मुझे डर सा लगता था। जो सपना उसने सजा कर रखा है अगर वो टूट गया तो क्या होगा उसका? पर फिर मैं भी तो चाहने लगा था तुम्हें, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि प्रीतम की आंखें आ जाए, तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, वो तुम्हें ये भी बता दे कि कोई कसूर नहीं था उसका जो वो शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका। अब उसके बाद तुम दोनों जो भी फैसला करते मुझे मंजूर था। हे भगवान आपने। एक और बात कहूं तुमसे, मैं खुद ही टोनी को बताने वाला था कि उसे नया बाप खोजने की कोई जरूरत नहीं, वो 10 नंबर वाला मरीज प्रीतम उसका असली बाप है। 10 नंबर का मरीज मेरा असली बाप? मुझे यकीन था तुम्हें आंखों की रोशनी वापस मिल चुकी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सच्चाई देखने के बाद तुम आंखें क्यों बंद कर लेना चाहते हो? सच्चाई देखने के लिए बहुत देर हो गई डॉक्टर साहब। रानू अब संध्या हो चुकी है और संध्या की आज शाम को आपसे शादी है। ये मेरा पागलपन था कि उसे दुल्हन के भेस में आपको अस्पताल लाना पड़ा। अपनी आंखें वापस आने का मेरे से और किसी को अफसोस नहीं हुआ होगा। ट्रक चलाता रहा हूं ना जिंदगी भर, किस्मत में शायद कहीं ठहरना लिखा ही नहीं। किस्मत ने तो अपना फैसला उसी दिन सुना दिया था जब तुम घायल होकर इस हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी यह फैसला टालता रहा। मां के अरमान और अपनी चाहत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी बंधे ही रहने दीजिए डॉक्टर साहब, जिन आंखों को अंधेरे की आदत हो जाए वो रोशनी में भी कुछ नहीं देख पाती। लेकिन मुझे जो देखना था मैं देख चुका। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, रानू तुम्हारा इंतजार कर रही है, मंडप भी सजा हुआ है, मुहूर्त भी है, इस शुभ घड़ी में ये शुभ काम हो ही जाना चाहिए। ओंकार हिंदू संयुक्तम मित्रयाय हन्ति योगाकामदमो शान्तेव योगाकारा। मां यासु खुशी के है बेटे, बहू को बेटी बनाकर विदा किया है मैंने। किस्मत वाली हो मां, बेटी का दान तकदीर वाले ही किया करते हैं। जिंदगी भर दूसरों के आंसू जमा करता रहा, आज अपने ही आंसू मां से छिपा कर जा रहा है। दर्द I'm